नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल LSTV इंडिया में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम की ताजा अपडेट। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किस जिले, किस राज्य के मौसम की जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली NCR, UP में 2 दिन छाए रहेंगे बादल, उत्तराखंड में आज बारिश, इन राज्यों में बढ़ेगी गर्मी। जानिए देश भर के मौसम का हाल। दिल्ली समेत पूरे देश का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है। हालांकि इस साल भीषण गर्मी के महीने मई में भी अभी तक लू से राहत है। साथ ही देश भर के पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम ही दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 9 मई को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली NCR समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार 8 मई को हल्की बारिश हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई है। इस हफ्ते नहीं बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते भी तापमान बढ़ने के आसार नहीं है। तो वहीं विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 मई को एक बार फिर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। राजस्थान में आने वाले 1 से 2 दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के कुछ भागों में 9 से 10 मई को अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के दक्षिण और पश्चिम इलाके में दोपहर के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं। बारिश को लेकर नहीं है पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मंगलवार 9 मई को बारिश के आसार नहीं है, तो वहीं मंगलवार को यूपी के कुछ इलाकों में हल्के बादल रहने का अनुमान है, जिसके चलते मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में भी 1 या 2 दिन में तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अगले 5 दिनों तक राज्य में कोई बारिश को लेकर पूर्वानुमान नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। तेज बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगातार बेमौसम बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच गिर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज बारिश के आसार हैं। जानकारों के मुताबिक तीनों राज्यों में साइक्लोन मोर्चा का खतरा मंडरा रहा है, साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बनना शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।